चौधरी साहब, आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर में मोबाइल चोरी की घटना काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मीरा भाईंदर की पुलिस काफ़ी सतर्क है और ऐसे चोरों पे वो अंकुश लगा रही है। जहां पे दो मामले आए हैं, काशी मीरा के, एक नौघर के। मैं आपको बता दूँ कि नौघर के सीनियर PI विजय पवार के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरोपी और 9 मोबाइल जब्त किए। वहीं दूसरी तरफ में काशी मीरा के सीनियर PI संदीप कदम के नेतृत्व में 27 मोबाइल और 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसी के बारे में जानकारी देने के लिए जोन 1 के DCP जयंत बजवले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। चलिए देखते हैं उन्होंने। काशी मीरा पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में 3 मई 2023 को एक मामला दर्ज हो गया था, जिसमें यह कंप्लेनेंट देव शर्मा करके है, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उसमें एक चलते समय एक वॉकिंग के टाइम पे उनके हाथ से एक रिक्शा आती है और वो रिक्शा में से जो 3 लोग थे उन्होंने उनका मोबाइल छीन के गायब हो गए थे। इसके ऊपर काशीमेरा पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में 332/23/392 का ऑफेंस दर्ज हुआ था। इस गुन्हे के अन्वेषण में इन्वेस्टिगेशन में ACP सानब, ACP PI कदम और डिटेक्शन ब्रांच की टीम API गांगुर्डे और PSI चौहान, इनकी टीम ने CCTV का एनालिसिस करके इसमें जो रिक्शा यूज किया गया था उसको आइडेंटिफाई किया। उसमें जो बंदे थे उनको भी आइडेंटिफाई किया। इसमें 3 बंदे बैठे थे, इसमें के 2 पकड़ने में हमारी टीम कामयाब रही। वो 2 लोगों को हिरासत में लेके जब इंक्वायरी किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो उनके पजेशन में तकरीबन 27 मोबाइल फोन्स मिले, जिसमें फिरियादी का भी मोबाइल फोन मिला है। ऐसे टोटल 2,96,000 का मुद्देमाल रिकवर करने में काशीमेरा पुलिस स्टेशन की टीम सक्सेसफुल रही है। चोर चलते रास्ते खींच लेता था या छीन लेता था, ऐसा टाइप का करता था? हाँ, जनरली ये वॉकिंग के जो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए जो निकलते हैं लोग उनके मोबाइल स्नैच करने में ये आरोपी माया ये थे। 27 मोबाइल बरामद किए गए, उसमें से 27 लोग अपने पास में शिकायत में थे या कुछ ही लोग थे? नहीं, इसमें अभी एक ही हमारे पास कंप्लेंट था जिसके बेसिस पे हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया। इसमें 27 मोबाइल हमें रिकवर हुए, जिसमें जो बाकी जो मोबाइल है वो किस गुना में मतलब चाहिए या फिर मिसिंग में ट्रेस आउट हुए, ये अभी तहकीकात जारी है। आरोपी ये जो 2 लोग है उसमें एक इरशाद अंसारी करके और दूसरा मोहसिन खान, जिसमें एक रेलवे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड पे उनके ऑफेंसेस दाखिल है उनके ऊपर, जिसमें रिशाद के ऊपर 4 और मोहसिन खान के ऊपर 11 मुकदमे दर्ज है। रहने वाले कहां? ये एक भिवंडी का बंदा है, एक मुमरा का है, जैसे बाहर के लोग है बेसिकली। नौघर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में तारीख 13 मई 2023 को एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें एक फैमिली रहती है, कंप्लेंट है राहुल हरिजन, इनके सोते टाइम पे एक बंदे ने घर पे आके कैसे तो भी एक ये तोड़ के उसका लॉक तोड़ के एंट्री किया था। और ये जो फिरियादी अब जब सो रहा था तो वो टाइम पे उसने उसके हाथ में जो मोबाइल था वो छीनने का कोशिश किया, जिसमें कंप्लेनेंट जैसे ही वेकअप हो गया तो उसने वो रोकने की कोशिश की तो ये उसको मारपीट करके वहां से भाग गया था। कंप्लेनेंट ने उसका पीछा किया, फिर बाद में घर पे आके देखा कुछ और चोरी हो गया क्या, तो उसे वेरीफाई करने के बाद उसको पता चला कि उसके जेब में से 5,000 कैश भी गायब है। तो उस हिसाब से उसने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दर्ज किया था। नौघर पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम ACP भोसले साहब के मार्गदर्शन में और PI सीनियर PI विजय पवार इनके गाइडेंस में PSI लांडे, APA काले और उनकी टीम ने CCTV का पूरा एनालिसिस करके उसमें जो कल्प्रिट है जो कि एक रिक्शा वाला है उसको आइडेंटिफाई किया। उसको आइडेंटिफाई करके उसको कब्जे में लेके छानबीन किया तो उसके बाद में उसके पजेशन से तकरीबन 9 मोबाइल फोन्स और जो चोरी किया 5,000 कैश, ऐसा टोटल 75,000 का जो मुद्देमाल है वो रिकवर करने में हमारी टीम सक्सेसफुल रही है। जैसे ही ये रिकवर करने के बाद हमारे नौघर पुलिस स्टेशन के 5 ऑफेंसेस डिटेक्ट हो चुके हैं और इसमें जो कि उसका जो हिस्ट्री है वो चेक किया हमने, उसको जुवेनाइल था वो टाइम पे भी उसने चोरी किया है और एक मामले में उसने चोरी का कोशिश किया था लेकिन वो टाइम पे पब्लिक ने उसको पकड़ा के
उसको छोड़ दिया था, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज नहीं हुआ था, इस टाइप का उसका हिस्ट्री है। नहीं, इसका कोई साथीदार नहीं, ये रिक्शा वाला है, टाइम मिलने पर ये ऐसा वारदात को अंजाम देता है, ऐसा पता चला है। कौन सा घर लुटना है, कैसे लुटना है, उसकी प्लानिंग कैसे करता था? जनरली अभी ये समर का सीजन है, अभी मैक्सिमम लोग जैसा दरवाजा खोल के सोते हैं, तो ऐसा जो ओपन दरवाजे को ज्यादा वो टारगेट करते हैं।